हेलो स्टूडेंट, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। जो हमारा टॉपिक है वो आज का रहेगा सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज। बेटा ये हमारा टॉपिक है, यानी कुछ स्पेशल सीरीज आएगी, उसमें हमें उनका सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा, कुछ बच्चों को याद भी है, मैंने पहले ही बताया थे, दोबारा से देख लीजिएगा। देखिए अगर मैं ऐसा लिखूं समेशन के वन टू एन, ये बेटा तो इसका मीनिंग क्या होगा, के को वन पुट करेंगे वन आएगा, फिर समेशन के लिए आप प्लस करेंगे, फिर टू पुट करेंगे, ऐसे ही थ्री पुट करेंगे, फोर पुट करेंगे, लास्ट में क्यों को क्या पुट करेंगे, के वन टू एन है तो लास्ट में क्यों को आप एन पुट करेंगे बेटा, तो लास्ट में आपने के को एन पुट कर दिया। ही ये आपके पास क्या है, ये तो आपको याद है ना, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आपके पास था एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। ये बेटा सो समेशन के के वन टू एन हो तो ये होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, याद कर दीजिए बेटा। अब नंबर टू, ये समेशन के स्क्वेयर, बेटा यहां पे भी के वन टू एन ही है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर सो ऑन एन स्क्वेयर, इसका मीनिंग क्या हुआ, सम ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है बेटा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल डिवाइड बाय सिक्स, ये फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला नंबर टू आपको याद करना है। अब देखिए फॉर्मूला नंबर थ्री भी आपके पास है, समेशन के क्यू के वन टू एन, ये बेटा इसका मीनिंग क्या हुआ, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो क्या आएगा भाई, ये आएगा वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब लाइक दैट फोर क्यूब एंड सो ऑन एन क्यूब। ये बेटा इसका फॉर्मूला आपके पास है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू इट्स होल स्केयर, ये यानी कि इसका होल स्केयर बेटा, ये ना आपके पास एन इंटू एन प्लस वन बाय टू तो इसका होल स्केयर कर दीजिए, तो आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बेटा मेमोराइज करने पड़ेंगे, यानी कि याद करने पड़ेंगे, इनके बगैर तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। ये थ्री फॉर्मूले हैं जो पहले आपको याद करने हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन करेंगे, तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। सो क्वेश्चन नंबर वन देखिए बेटा, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर प्लस फोर इंटू फाइव लाइक दैट। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बेटा आप लोगों को एनएच टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एनएच टर्म, एनएच टर्म। तो देखिए हम लिख देते हैं गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज इज, द गिवन सीरीज इज वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर प्लस फोर इंटू फाइव लाइक दैट। बट देखिए यहाँ पे आपको एक रूल दिखाई दे रहा है कि जो ये फर्स्ट टर्म है इसका फर्स्ट पार्ट वन है, सेकेंड टर्म का फर्स्ट पार्ट टू है, थर्ड टर्म का फर्स्ट पार्ट थ्री है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप एनएच टर्म बोले तो उसका फर्स्ट पार्ट एन हुआ ना, आप बोल रहे फर्स्ट टर्म फर्स्ट पार्ट वन, तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट वन, सेकेंड टर्म का फर्स्ट पार्ट टू, तो एनएच टर्म का फर्स्ट पार्ट एन, और यहां पे आपका फर्स्ट का टू है सेकंड का थ्री है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, वन से इंक्रीज है, तो ये आएगा एन इंटू एन प्लस वन इस टाइप से बेटा। तो आपके पास एनएच टर्म आपको मिली एन इंटू एन प्लस वन, इसको आप क्या ले सकते हैं, ये आएगा एन स्क्वायर प्लस एन बेटा, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया ए एन, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने यहां पर ए एन फाइंड आउट कर लिया। देखिए आपको निकालना क्या, अभी सम ऑफ एन टर्म निकालना, यानी कि एस एन निकालना है, एस एन बेटा,
एसएम का मीनिंग क्या हुआ, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री लाइक दैट ए एन, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मैं समेशन की फॉर्म में इसको लिख दूं बेटा, समेशन की फॉर्म में, तो देखिए ये आपको मिलेगा समेशन ए के के वन टू एन, है ना, वही चीज है। के को वन पुट करेंगे तो ए वन आएगा, के को टू पुट करेंगे ए टू, के को थ्री पुट करेंगे ए थ्री, के को एन पुट करेंगे ए एन, तो समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए ए एन आपके पास एन स्क्वायर प्लस एन है बेटा, ए एन की वैल्यू आपके पास क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन, तो ए के की वैल्यू क्या आएगी, एन को रिप्लेस कर देंगे कैसे, तो जो ए के है उसकी वैल्यू आएगी बेटा के स्क्वायर प्लस के, इस टाइप से ये आपने लिख दिया। ये एसएन का मीनिंग आपको निकालना है समेशन के वन टू एन के स्क्वायर प्लस, इसको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो ये क्या मिलेगा, समेशन के स्क्वायर के वन टू एन प्लस समेशन के वन टू एन, ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने अभी आपको बताए हैं, ये दोनों समेशन के स्क्वायर भी बताया है और समेशन के भी बताया है। तो देखिए अब अगर इसकी बात करूं मैं आपके सामने, अभी हमने किया है सो एस एन, इससे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू समेशन के स्केयर, समेशन के स्केयर मीन वन स्केयर प्लस टू स्केयर प्लस थ्री स्केयर प्लस एन स्केयर, बताया था एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, तो लिख लेंगे बड़े इसकी वैल्यू समेशन के स्केयर, ये आएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल डिवाइड बाय सिक्स, ये ठीक है जी, ये प्लस समेशन के, समेशन के मैंने बताया एन इंटू एन प्लस वन होल डिवाइड बाय टू, ये बताया बेटा। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, एन भी कॉमन है, एन प्लस वन भी कॉमन है और नीचे टू भी कॉमन है, ये कॉमन लेना है, तो यहाँ पे एन एन प्लस वन और टू कॉमन लिया तो ये तो मिला टू एन प्लस वन बाय थ्री और ये कंप्लीट कॉमन है तो वन मिल गया बेटा। यहाँ पे इस कंप्लीट का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये मिलेगा 2n प्लस वन प्लस थ्री दैट इज 2n प्लस फोर और ये 2 और ये 3 लिख देंगे, अभी कुछ भी नहीं कर रहे, यहां से 2 कॉमन लेंगे इस 2 से कैंसिल कर देंगे, तो ये मिलेगा n इंटू एन प्लस वन, 2 कॉमन लिया तो ये n प्लस टू बच गया बेटा और वो 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो ये मिला 3। सो हमें आंसर मिला n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू होल अपॉन 3, ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि आपको थ्री फॉर्मूले याद रखेंगे तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर वन। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर टू है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर टू आप खुद कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू में चेंज क्या है, जो क्वेश्चन नंबर टू है यहाँ पे थोड़ा सा माइनस सा चेंज है, ये आपके पास अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर टू की तो यहां पे देखिए ये 1 इंटू टू इंटू थ्री आ जाएगा प्लस 2 इंटू थ्री इंटू फोर लाइक दैट, इस टाइप से चलेंगे, है ना। तो अगर मैं एनएच टर्म की बात करूंगा यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर एनएच टर्म, तो देखिए क्या मिलेगा, तो एनएच टर्म आप लोगों को मिलेगी एन इंटू, अगर एनएच टर्म की बात करूं तो ये फर्स्ट पार्ट 1 फिर 2 फिर 3 तो एन ही रहेगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू मिलेगा, ये मिलेगा एन को वन पुट करेंगे तो वन टू थ्री, टू पुट करेंगे टू थ्री फोर, तो ये मिला ए एन। तो यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लू तो ये तो हुआ बेटा एन स्केयर प्लस एन, इस एन से मल्टीप्लाई किया मैंने और ये एन प्लस टू, ये अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करिए तो एन क्यूब प्लस एन स्केयर प्लस टू एन स्केयर प्लस टू एन, ये बेटा एन क्यूब प्लस एन स्केयर प्लस टू एन स्केयर प्लस टू एन, सिंप्लीफाई करिए एन क्यूब प्लस थ्री एन स्केयर प्लस टू एन, इस टाइप से ये एन की वैल्यू है। आपको तो एस एन निकालना है, एस एन ठीक है, एस एन का मीन बताया था ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री लाइक दैट प्लस ए एन, और क्या लिखे इसको समेशन की फॉर्म में, समेशन ए के वन टू एन, ये लिख बताया था। अब देखिए ए के की वैल्यू समेशन के वन टू एन तो है ही, ए के की वैल्यू यही ए एन है, के से रिप्लेस कर दीजिए के क्यूब प्लस थ्री के स्केयर प्लस टू के, इस टाइप से भी ठीक है जी, इनको आप अलग अलग कर लीजिए बेटा। जब आप अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए
जब हम इनको अलग अलग करेंगे ना, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट है Sn की वैल्यू चल रही थी, Sn इज इक्वल टू ये मिला समेशन K1 to n, ये बेटा ये 3 है ना, 3 तो कॉमन ले लीजिए, 3 को तो बाहर कर दीजिए, समेशन से बाहर आ जाएगा, समेशन के स्क्वायर ये भी K1 to n है, फिर प्लस 2 को भी कॉमन ले दीजिए और ये समेशन K1 to n। यहाँ पे बेटा ये तीनों फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, तीनों के तीनों आपको याद है। तो फर्स्ट समेशन K क्यू क्या होता था बेटा आपको, समेशन K क्यू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इट्स होल स्क्वायर, ये बताया था मैंने आपको, ये 3 एज इट इज, अभी k स्क्वायर अभी करवाया है तो ये क्या था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6 बेटा, ये स्टेप्स, ये 2 एज इट इज समेशन k n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइड बाय, ये बेटा इसको सिंप्लीफाई आप खुद करेंगे, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 कंप्लीट कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, कंप्लीट कॉमन है, सिंप्लीफाई कीजिए आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों जैसे क्वेश्चन है, आप इन दोनों को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे बेटा।